अगर तेरे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो कमल गट्टे को पानी में डाल शिव जी को चढ़ा कर। कमल का फूल बाजार में मिल रहा हो, जब तक कमल का पुष्प बाजार में मिले तब तक एक कमल का पुष्प सोमवार की सोमवार शंकर को चढ़ाना चालू कर दे। सोमवार को नहीं चढ़ाए तो प्रदोष को चढ़ा, पर शंकर की भक्ति कर। और कमल का फूल ना मिले तो कमल गट्टा पानी में डाल, उस पानी को शंकर पर चढ़ा, पर चढ़ा देख, क्योंकि शिव की चरणों में रहने के लिए माता ख्याति ने लक्ष्मी देना चाहिए और लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने नारायण को दे दिया। अगर वही कमल के पुष्प पर लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए दीपावली पर कमल का फूल शिव जी को भगवान माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। कमल का पुष्प मेरे भगवान विष्णु ने शंकर भगवान को सावन के महीने में 108 दिए थे। वो पुष्प का फल इतना मिला कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र मिल गया था। सुदर्शन चक्र किसका था? भगवान शंकर का। वो चक्र भगवान विष्णु को दिया, ले लो तुमने कमल के फूल चढ़ाए 108। ये कमल का पुष्प चढ़ाने का फल ये कि अपना सुदर्शन चक्र तुमको देता हूं, दुष्टों का संहार करना ये आपको देता हूं। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी हो गए। केवल कमल का पुष्प चढ़ने से भगवान नारायण को लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, इसलिए लक्ष्मी जी की प्रियता कमल का पुष्प है। वो कमल के पुष्प का जल, कमल का जल या कमल गट्टे का जल शंकर पर आप प्रदोष की प्रदोष, सोमवार की सोमवार, नहीं आ रही ना लक्ष्मी, पैसा नहीं आ रहा। अब आपने सब दूर माथा टेक लिया, चढ़ाना चालू करो, एक कमल गट्टा पानी में डालो, उस पानी को शिवजी को चढ़ाओ, चढ़ाइए, मिल जाए कमल का फूल। जब तक मिल रहा है, अभी ठंडक में तो मिल ही जाता है, कमल का पुष्प मिले मंगवा लिया, चढ़ा दिया सोमवार की सोमवार, नहीं तो प्रदोष की प्रदोष, चढ़ाओ पांच छह प्रदोष करके देखो, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, देखने में क्या जाए। ना सीवर वाला महाराज कहीं जा रही है, ना तुम कहीं जा रहे हो। में कहा कि जब धन कम हो, संपदा कम हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, बहुत कष्ट, बहुत तकलीफ की जिंदगी निकल रही है, 2 रुपए भी अगर खाने के लिए नहीं है, तो एक बार प्रयास करना, घर में ही प्रदोष के दिन घी का दिया लगाकर, या मंदिर में शंकर के घी का दिया लगाकर, उसमें दो बाती, कितनी बाती, दो बाती रख, चाहे तुम लंबी रख लो चाहे गोल रख लो, पर रखना दो ही बाती, घी का दिया लगाकर दुख दहन स्त्रोत का पाठ करो, दारिद्र दुख दहन स्त्रोत का पाठ बाजार में किताब मिल जाएगी, नहीं मिले तो मोबाइल पर सर्च कर लेना, उसमें निकाल लेना, उसका पाठ करो, कम से कम 5 प्रदोष तो करो। और बाबा विश्वास रखना शिव महापुराण पर, अगर पहली प्रदोष पर ही आपने अगर घी का दिया लगाकर, आसन लगाकर शंकर के सम्मुख में प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिव की पूजन कर दारिद्र दुख दहन स्त्रोत का पाठ चालू कर दिया, तो विश्वास रखना कि 5 प्रदोष तक तो बाबा खुद करुणा कर देगा, आपको मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, परास्त हो चुके हैं, फार्म भर भर कर, दुनिया के हाथ जोड़ जोड़ कर, एक बार महादेव के हाथ जोड़ लो, एक बार उससे कह लो। जिस दिन आपको बेलपत्र ना मिले तो शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र शंकर जी को चढ़ा दो। और भी अगर बेलपत्र मंदिर में भी नहीं है, तुम्हारे बगीचे से तुम निकल कर जा रहे हो, तुम्हारे घर से तुम निकल कर जा रहे हो, कोई पौधा लगा है, उस पौधे की भी एक पत्ती तोड़कर अगर आपने शंकर भगवान को चढ़ा दी है, तो शिव ने बेलपत्र के भाव से स्वीकार कर